देखिए, कल 10 जून को हमने अपना स्थापना दिवस मनाया और किसी भी संगठन, जिस तरीके से मुझे अभी युवा संगठन की जिम्मेवारी मिली, हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमारे संगठन के साथ जोड़ना। हमने कल एक अपने मेंबरशिप ड्राइव को शुरू किया है जिसका हमने नाम दिया है अजीत युवा योद्धा। हम सब ने देखा कि अजीत दादा ने किस प्रभावशाली ढंग से एक डेवलपमेंट का काम किया, युवाओं को वो जिम्मेवारी दी, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज महाराष्ट्र में हमारे साथ में लाखों युवा हमारी पार्टी के साथ इसलिए जुड़े हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है अजीत दादा पवार। तो इस कैंपेन का नाम हमने अजीत युवा योद्धा नाम रखा ताकि हम महाराष्ट्र के बाहर, अब दिल्ली हो, हरियाणा हो, आने वाले समय में चुनाव भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अजीत दादा की कार्यशैली है उससे प्रभावित होके लाखों की संख्या में युवा हमारे साथ में जुड़ेगा। तो ये जो हमने कैंपेन चलाई है इसको आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हमने 10 लाख अजीत युवा योद्धा जोड़ने का हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। और जिस तरीके से हमें जो प्रतिसाद मिल रहा है हर राज्य से, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा हम आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लेंगे। आने वाले 3 महीने में 10 नहीं हम 15-20 लाख का आंकड़ा हम लोग देखिए, किसी भी पार्टी के युवा संगठन को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। यदि हमारा संगठन जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा हम सत्ता के नज़दीक पहुँच सकते हैं। सत्ता के नज़दीक हम इसलिए पहुँचना चाहते हैं ताकि हम युवाओं का भविष्य के लिए कुछ काम कर सकें, कुछ अच्छी पॉलिसी बना सकें। और आज जिस तरीके की परिस्थिति दिल्ली में है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सरकार ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है। बड़े बड़े प्रलोभन देके दिल्ली की सरकार आ गई, लेकिन आज भी काम देखेंगे सिर्फ वो वादों में ही दिख रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। हम दिल्ली के युवाओं के लिए और दिल्ली के आसपास के प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज पूरे देश के लोग उठ के पढ़ाई करने जाते हैं, विद्यार्थी बहुत सारे युवा वहाँ पर नौकरी की खोज में जाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आप देखते हैं महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। तो आज उसी पैटर्न पे हम दिल्ली में भी, हरियाणा में भी हम काम करेंगे ताकि पूरे देश के लोगों को एक प्रदेश में जाने की ज़रूरत ना पड़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के तर्ज पे यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी, अच्छा शिक्षा की प्रणाली खड़ा करेगी, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएँ लेके आएगी, रोज़गार के युवाओं के लिए अच्छे अवसर हम लोग देने का काम करेंगे। यही हमारा एक मॉडल होगा, महाराष्ट्र मॉडल होगा जिस पे हम काम करेंगे आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व में।